हेलो फ्रेंड्स, मैं विनी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल कार दुनिया में। आज मैं आपको बताऊंगा हुंडई की वर्ना, एलेंट्रा और ट्यूजॉन, इन गाड़ियों में क्रूज कंट्रोल आता है। इन क्रूज कंट्रोल को आप किस तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं, आज मैं आपको दिखाऊंगा हुंडई की वर्ना में क्रूज कंट्रोल को सेट करके। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसके स्टेयरिंग पे तीन बटन दिए हुए हैं। इनमें सबसे ऊपर दिया हुआ है क्रूज, उसके नीचे दिया हुआ रीसेट, इनसेट एंड कैंसिल। ये मैं आपको करके दिखाऊंगा आप इन बटन से कैसे क्रूज को ऑपरेट कर सकते हैं। इनमें सबसे पहली कंडीशन ये है कि आपकी कार की जो स्पीड है वो 30 के ऊपर होनी चाहिए, यानी क्रूज कंट्रोल जो है वो 30 की स्पीड के नीचे नहीं लगता है। गियर कोई भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं अपनी कार की स्पीड को 30 क्रॉस करा रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी गाड़ी की स्पीड 30 क्रॉस हो चुकी है। इसके बाद आपको सबसे पहला काम ये करना है, आपको इस बटन को प्रेस करना है। जैसे आप इसको प्रेस करेंगे, सामने आप स्क्रीन पे देख सकते हैं बीच वाले डिस्प्ले पे क्रूज लिखकर आ गया है। क्रूज लिख के आने के बाद आपको एक बार हल्का सा ब्रेक पैडल को प्रेस करके रिलीज़ करना है। जैसे आप इसको रिलीज़ करेंगे, इसके बाद आपको ये वाले बटन से नीचे की तरफ करना है, सेट की तरफ। ये देखिए, जैसे मैंने इसको किया, क्रूज के आगे इसमें सेट लिखकर आ गया। अभी कार की स्पीड 30 पे मेंटेन हो चुकी है। अभी ये स्पीड ना नीचे जाएगी ना ऊपर जाएगी। अब देख सकते हैं मैंने एक्सेलेरेटर से पैर हटा दिया है, इसके बाद भी गाड़ी जो है उसी स्पीड को मेंटेन किए हुए है। अब अगर हमें गाड़ी की स्पीड को बढ़ाना है तो उसके लिए आपको इसी वाले बटन से ऊपर प्लस की तरफ करेंगे। जैसे आप एक बार प्लस करेंगे, ये कार 5 की स्पीड इंक्रीज करेगी। तो जब जब आपको स्पीड को इंक्रीज करना है, इसको आप प्लस कर सकते हैं। माइनस करने पे ये गाड़ी की स्पीड 5 की स्पीड से कम होती जाएगी। 5-5 की स्पीड इसमें कम करता जाएगा और यहाँ से ऊपर करने से इंक्रीज़ होती जाएगी। तो ये तो हो गया आपका क्रूज सेट हो गया। अब अगर हमको क्रूज को कैंसिल करना है तो कैंसिल करने का दो ऑप्शंस हैं। सबसे पहला, आप इस बटन को प्रेस कर दीजिए तो भी क्रूज कैंसिल हो जाएगा, या अगर आपने ब्रेक को जैसे ही प्रेस करेंगे या क्लच को प्रेस करेंगे, ये क्रूज ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। जैसे देखिए मैंने ब्रेक को प्रेस करा, ये देखिए क्रूज हट गया। अगेन आपको इसमें क्रूज लगाना है तो उसके लिए आप वापस इसको सेट का नीचे की तरफ बटन को सेट करिए और ये क्रूज वापस लग जाएगा। ये देखिए क्रूज वापस आ गया। इस तरीके से आप हुंडई की किसी भी गाड़ी में जिसमें भी क्रूज आता है, आप क्रूज को सेट करके इसका यूज कर सकते हैं। सो गाइस, ये एक वीडियो था हमारा आज का क्रूज कंट्रोल का। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे इस वीडियो को लाइक करना। थैंक यू।